अब देखिए अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.7। सही बच्चे पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले करते रहे, फिर इसके डेली के रोज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। अब ये एक्सरसाइज में जैसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इन सब का मल्टीप्लाई करने हैं। किस तरह से हम क्यों लिख लेते हैं, अलग 12.5 मल्टीप्लाई 6, इस तरह से लिख लेते हैं। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड कीजिए तो ये 15 मार्क हुए। 6 बन जा 6, 6 और 8 7, पॉइंट पीछे से 1 अनुपात। इस तरह से लिख लेते हैं 75.0 और ये साफ कर देते हैं। इसी तरह से बाकी के जितने भी पार्ट हैं वो कर सकते हो, बिल्कुल सेम है बाकी के पार्ट, सब करते रहना। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी प्रोडक्ट है, किस तरह से करते हैं, 21.7 मल्टीप्लाई 1.5, इस तरह से लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई क्योंकि दो बार में भी कर सकते हैं, एक बार में भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 का टेबल है, 15 का टेबल डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 7 जा 105, कितने हुए 105, 105 की 5 कैरी 10, 15 बन जाए 15, 15 में 10 ऐड कीजिए 25 में 25 की 2 कैरी 2, 15 2 जा 30, 30 में 2 जोड़ दीजिए 32.82। दो पीछे से पॉइंट लगाते हैं तो ये लिख दिया 32.55, ये इसका आंसर, ये साफ कर देते हैं। तो इस तरह से सेकंड पार्ट के भी आंसर निकाल सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है किसी तरह से कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली स्थानों को भरिए। जैसे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे एक बिंदी रख दीजिए, कैसे 12 7 2 0 रख लिया, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगाइए। इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स इन भर लेते हैं। तो जिसमें 0 लिखा है उनका मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है, केवल पीछे उतना ही 0 बढ़ा ले, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, और पॉइंटों को गिन के फिर उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। दैट्स ऑल, यही आंसर है। इसी प्रकार से बाकी के सभी पार्ट कर सकते हैं। अब देखिए सिंपलीफाई वाला, देखिए सिंपलीफाई इसमें कैसे करते हैं, पहले 6.5 का 7.2 से मल्टीप्लाई करते, अलग 6.5 मल्टीप्लाई 7.2। अब इसमें देखिएगा 7.7, यानी 72 का हम टेबल नहीं जानते हैं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 8 13, पॉइंट अभी नहीं लगाओगे, लास्ट में लगाएंगे पॉइंट। पीछे से एक डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दीजिए, 7 से दिए 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 में 3 ऐड कर देते हैं 45। अब ऐड कर लेते हैं, 8 हुए 6 हुए और ये 4 हुआ। अब पॉइंट लगाइए, 1 2 1 2, पीछे से 2 अंक बाद। कहने का मतलब है 46.80 क्रॉस 1.8, ठीक है। अब इसको हम साफ कर दें, करने के बाद अब इसका मल्टीप्लाई पुनः फिर करें, क्रॉस 1.8, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, 0 की 0 18 8 जा 144 कैरी हुआ 14 18 6 जा 108, 108 में 14 ऐड कर दीजिए तो ये तुम्हारे हुए हैं 2 2 122, 122 की 2 लिखते हैं, कैरी 12 हुआ, 14
14 फोरिया 72 में 12 जोड़ लीजिए, 72 में 12 जोड़ दीजिए तो ये हुआ 80। फोर पॉइंट पीछे से 1 2 3 1 2 3 ये लगा देते हैं, तो ये लिख देते हैं 84.240 दैट्स ऑल आंसर। इस तरह से हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ये तरीका है, बाकी के सभी पार्ट इसके इसी तरह से करते हैं और ये साफ कर दें, बस ये सॉल्यूशन बिल्कुल है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब ये एक्सरसाइज समाप्त हुई, अब अगली एक्सरसाइज देखिएगा।